हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम शरारा एंड कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये शरारा और कुर्ती हम 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। ये प्लेन फैब्रिक हमने शरारा के लिए लिया है और ये जो आधा मीटर फैब्रिक है ये हमने कुर्ती के लिया है वर्क वाला, ठीक है। और शरारा का फैब्रिक है लगभग 1.5 मीटर है। और साथ में हमारे पास ये दुपट्टे का फैब्रिक है, थोड़ा सा नेच हमारे पास पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, ये तितली वाला बटरफ्लाई वाला, इसका हम दुपट्टा बना देंगे। इसके साथ काफ़ी अच्छे से मैच होगा। सबसे पहले हम इसमें से शरारे की कटिंग कर लेते हैं, तो वो दो पार्ट में होगा। एक तो बॉटम पार्ट रहेगा उसका ऊपर वाला पार्ट, और एक नीचे वाला जो घेरे वाला पार्ट होता है वो भी दो पार्ट में रहेगा। उसमें हम 2 लेयर्स बनाने वाले हैं। टोटल हम लंबाई रखेंगे 21 इंच की। उसमें देखिए ऊपर वाला जो पार्ट होगा हिप वाला वो 9 इंच का होगा, और नीचे जो घेरे वाला पार्ट है वो 12 इंच का होगा। तो टोटल हमारी जो लंबाई है वो 21 इंच की होगी शरारे की, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारा जो कपड़ा है वो डबल फोल्डेड है। इसमें से हम जो नीचे वाला पार्ट है घेरे वाला वो कट करेंगे, तो वो 12 इंच का हम बनाने वाले हैं। उसमें भी हम 2 लेयर रखने वाले हैं, तो वो होगी 6-6 इंच की। तो यहाँ पर हम उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसमें हम छोटी छोटी सी चुन्नट डाल के घेरा बनाने वाले, यानी कि शरारे में 2 लेयर्स वाला शरारा बनाने वाले हैं। एक पार्ट हमने कट कर लिया, इसी नाप का एक पार्ट और कट कर लीजिए, 7 इंच के 2 फैब्रिक, ये तो हो जाएंगे 1 लेग के लिए। इसी नाप के हमें 2 फैब्रिक और कट कर लेने हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा घेरा रहता है। अच्छा घेर, जितने पास पास हम चुनट लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें घेरा होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए इसे नाप के आप 4 फैब्रिक कट कर लीजिएगा। ठीक है, कुर्ती की भी कटिंग मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसी नाप के 2 फैब्रिक और कट कर लीजिए। इनकी चौड़ाई है लगभग 21 से 22 इंच की, और लंबाई आपको दिखाई थी मैंने 7 इंच की। 6 इंच के हम रखने वाले, 1 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस करा है। अब हमें एक पार्ट इसके ऊपर की ओर लगेगा घेरे वाला पार्ट, वो कट करना है। वो करेंगे हम लगभग 15 से 16 इंच का कट, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। ऊपर वाला जो घेर रहेगा वो थोड़ा इसमें छोटा रहेगा क्योंकि इसमें चुन्नट कम लगेगी। ठीक है, अब देखिए हम जो हिप वाला पार्ट है वो कट कर लेते हैं। कपड़ा यहाँ पर हमारा 4 फोल्ड है, 4 लेयर में फोल्ड है। ऊपर वाला हमें 9 इंच का बनाना है। ऊपर आधा इंच एक तरफ सिलाई में जाएगा और 1 इंच इस तरफ सिलाई में जाएगा, तो हमें थोड़ा बड़ा कट करना है। उस हिसाब से आप फैब्रिक लीजिएगा, 1.5 इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ, यानी कि टोटल जो हमने वो 11 इंच का लेना है। और देखिए हिप की जो चौड़ाई है उसका चौथा हिस्सा लेना है, उसमें 1.5 इंच प्लस करना है, और फिर 1 इंच हमें आसन के लिए लेना है। 1.5 इंच ले लीजिएगा आप, तो टोटल जो चौड़ाई है वो लगभग 9 या 9.5 इंच की हमने रखी है। लंबाई है 11 इंच की और चौड़ाई है हमने 9.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगा देंगे। 1.5 इंच लिया है हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, और 1.5 इंच हमने लिखा है मार्जिंग आसन का निशान के लिए, ठीक है। आसन की लंबाई का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे दीजिए और अब यहाँ पर घुटने की जो चौड़ाई होती है वो नापी जाएगी। घुटने की चौड़ाई का हमें आधा लेना है। यहाँ पर बच्चों के लिए बना रहे तो ज्यादा फिट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इससे लूज ही रखेंगे, तो यहाँ पर हमने 13 इंच का लेना है और आधा इंच उसमें प्लस करेंगे, तो टोटल लगभग 7.5 या 7 इंच का ले लीजिएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम आसन के पॉइंट से मिला देंगे। और इसकी कटिंग लीजिए, ध्यान रखिएगा जो हिप की चौड़ाई है उसका चौथा हिस्सा लेना है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस करना है, और प्लस 1.5 इंच आसन के लिए लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लीजिएगा। ये इस पूरे शरारे की कटिंग हो गई। ये ऊपर वाला पार्ट है और इसमें ये देखिए छोटा लिया हमने घेरे वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ रहेगा। इसमें 2 लेयर्स बनाई है, इसमें चुन्नट डाले जाएंगे, फिर इस नीचे वाले में भी हम चुन्नट डालेंगे। वो मैं आपको आगे स्टिचिंग के वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम कुर्ती की स्टिच कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा डबल फोल्डेड है, इसे हम ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 4 लेयर में फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 फोल्ड बनाएंगे। लंबाई है इसकी देखिए टोटल 22.5 इंच की, 23 इंच की, 20 इंच का हमें बनाना है, तो हमने यहाँ पर 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। ऊपर की तरफ सिलाई में जाएगा और नीचे भी सिलाई में जाएगा, इसलिए शोल्डर्स की चौड़ाई है यहाँ पर 11 इंच की,
तो हम टोटल 12 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्महोल की लंबाई रखेंगे लगभग 6 इंच की, और इसमें यहाँ पर 1 इंच पर राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, चेस्ट का साइज है 24 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो हो जाएगा 6 इंच। यहाँ से हम कुर्ती को बंद रखेंगे लगभग 8.5 या 8 इंच पर, और कमर भी है 24 इंच की, तो उसका चौथा इंच लेंगे 6 इंच पर। अब इनको इस तरीके से सीधी लाइन बनाते हुए मिला देंगे, और यहाँ पर हम लगभग 1.5 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को भी सीधा बढ़ा देंगे और यहाँ तक कुर्ती की चाक बन जाएगी बाकी। अब जैसे हमने मार्क करा है ठीक वैसे ही हम इसे कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद नेक की और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम एक पार्ट हटा देंगे और एक पार्ट को वापस से लेंगे। पहले नीचे से देखिए ये जॉइंट है, तो इसे हम अलग कर देते हैं। अब एक पार्ट को फिर से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर नेक को शेप दीजिए। नेक आप चाहो जैसा बना सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है गोल के मुकाबले। लंबाई हम रखेंगे लगभग 3 से 3.5 इंच की, 3 इंच काफी है बच्चों के लिए बना रहे, छोटा गलाई रखेंगे और चौड़ाई रखेंगे नेक की 2 इंच की। इसे आप वी शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप भी दे सकते हो, राउंड शेप भी दे सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना लीजिएगा। इसे कट कर लेते हैं और फ्रंट के आर्म होल की हम थोड़ी सी ज्यादा कटिंग कर देंगे। ज्यादा कटिंग नहीं करेंगे, वैसे बच्चों के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 1/2 इंच पर इसे आर्म होल को थोड़ा अंदर की ओर कट कर देते हैं, जहां पर हमने गोलाई दे रखी है सिर्फ वहीं पर। ठीक है, अब बैक पार्ट लेंगे, उस पर भी अच्छे से नेक की डिजाइन बना देंगे। पहले हम राउंड शेप देंगे, उसके बाद इसमें से छोटा सा कट लगा के इसमें डिजाइन बना देंगे। चौड़ाई वही रखेंगे जो हमने फ्रंट की रखी थी 2 इंच की, और लंबाई रखेंगे 3 इंच की नेक की। छोटा गला है, इससे पहनने में दिक्कत आती है, तो हम इसमें थोड़ी सी डिजाइन करके शेप दे देंगे। पहले इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जो गला कट कर रहा है हमने, उसके नीचे लगभग 3 इंच पर एक निशान लगाइए, 2.5 से 3 इंच पर लगा दीजिए, और इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए अंदर की ओर गोलाई देते हुए इस तरीके से कट कर लीजिए। क्या है कि बच्चों को छोटे गले में पहनाने में दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर हम ये बैक साइड में इस तरीके से डिजाइन भी हो जाएगी, और यहाँ पर दो डोरी लगा देंगे बांधने के लिए, डिजाइन भी हो जाएगी और गला भी अच्छा हो जाएगा, पहनने में आसानी होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप रहेगा। इसी नाप से इसमें कॉटन का अस्तर भी कट कर लीजिएगा, और ये पूरा स्टिच होने के बाद ड्रेस देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये मैंने अपनी भतीजे के लिए बनाया है।